हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आज आपके लिए लेके आया मैं सैमसंग S22 अल्ट्रा की अनबॉक्सिंग। आज जो गाइस इसके फीचर्स देखते हैं, क्या पैकेज सैमसंग कंपनी ने एक क्लास में पैक करके दिया है। आ जाओ गाइस, चलो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। बट एक बार इसका बॉक्स देख लो यार, जितनी साबुन की डिब्बी होती है सेम साइज में कर दिया। मतलब जितना आप ज्यादा पैसा खर्चोगे उतना छोटा बॉक्स। चलो गाइस आ जाओ इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो गाइस ये रहा हमारा सबसे ऊपर सैमसंग का मोबाइल। क्या बात है, बहुत सही है। और गाइस इसके अंदर मेरे को कुछ नहीं दिख रहा है, जैसे कवर्स या कुछ नहीं दिख रहा है। इसके साथ एक यूजर गाइड दिख रही है और एक डाटा केबल, अडाप्टर भी कंपनी खा गई। तो गाइस इन सब चीजों को साइड करते हैं, आ जाओ फोन को बूट कर लेते हैं, बाकी इसके देखते हैं मेन फीचर्स। तो गाइस जैसा कि आप देख रहे हैं फोन ऑन हो रहा है, ये मिनिमम 5 मिनट ले लेगा। तो गाइस इसको ऑन होने देते हैं। तो गाइस जैसा कि आप देख रहे हैं फोन ऑन हो चुका और इसकी कर्व डिस्प्ले बहुत क्लासी दिख रही है और इसकी बैक भी बहुत क्लासी दिख रही है। और बैक साइड में इसमें 5 कैमरा दे के रखे हैं, जिसमें से गाइस मेन कैमरा 108, सेकेंडरी 50, थर्ड हमारा 100x जूम के लिए, और चौथा सेंसर दे के रखा और एक 5 मेगापिक्सल का कैमरा डेप्थ के लिए। गाइस इसमें फ्रंट में गाइस 40 मेगापिक्सल का कैमरा दे के रखा है, जो कि 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकता है। तो गाइस जैसा आप देख रहे हैं इसके राइट साइड में ऑन ऑफ बटन, वॉल्यूम अप डाउन, और अप साइड में सेकेंडरी माइक, बाकी क्लीन है जगह। लेफ्ट साइड में बिल्कुल क्लीन है जगह कर्व के साथ, और डाउन पे एस पेन, स्पीकर ग्रिल, टाइप सी जैक, माइक और सिम ट्रे। तो गाइस सैमसंग के मोबाइलों में पेन की तो अलग ही फील है, जिस तरीके से ये वर्क करता है मतलब बिल्कुल क्लासिक सी फील है। तो गाइस एक छोटा सा नोट देखते हैं गाइस, क्या बात है गाइस, एस पेन की फील ही अलग है गाइस। तो गाइस हम इसकी मेन सेटिंग में जाके देखते हैं कि कंपनी ने क्या पैकेज दे के रखा हमें 1 लाख के ऊपर। तो गाइस जैसा कि आप देख रहे हैं इस पे नॉर्मल सी शो किया है कि सैमसंग S22 अल्ट्रा, बट गाइस ये हमारा 12 GB रैम पे वर्क कर रहा है, जिसकी स्टोरेज 256 GB है, जो कि 1,09,000 का आता है, बट हमने डिस्काउंट में 1 लाख का लिया। तो गाइज हम इसके कुछ एक कैमरा सैंपल्स आपके साथ शेयर करेंगे कि कंपनी ने क्या पैकेज दिया है। आओ गाइज। तो गाइज जैसा कि आप देख रहे हैं डिटेलिंग बहुत सही दिखा रहा है, एक्चुअली सैमसंग का फ्लैगशिप सेट है, तो मतलब इसमें डिटेल बहुत सही दिखा रहा है। तो गाइज इसका एक और हम 100x के साथ ही जूम टेस्ट देख ही लेते हैं गाइज। तो गाइज जैसा कि आप देख रहे हैं ये वाली चीज मेरे को आंखों से नहीं दिख रही, तो गाइज इसने काफी अच्छी डिटेल काउंट की है, और ये 100x जूम के साथ है गाइज। नॉर्मल जूम के साथ गाइज बिल्कुल ये ऐसा दिख रहा है गाइज, नॉर्मल जूम के साथ कुछ नहीं दिख रहा है। तो गाइस इसका फ्रंट कैमरा भी हम एक बार चेक कर लेते हैं, और फ्रंट कैमरे में भी बिल्कुल नेचुरल सी फोटो आ रही है, मतलब 1 लाख खर्च के फायदा है, बहुत सही है। तो गाइस इसमें पबजी और फ्री फायर के लिए तो बहुत बेस्ट फोन है गाइस, जिस हिसाब से कंपनी ने इस पे प्रोसेसर दे के रखा है, और जो कि सैमसंग का फ्लैगशिप फोन है, तो इसमें फ्री फायर और पबजी में तो बहुत ग्रेट परफॉर्मेंस मिलेगी गाइस। तो गाइस इसके हम एक बार स्पीकर टेस्ट कर लेते हैं, जिस हिसाब से कंपनी ने ड्यूल स्टीरियो स्पीकर दे के रखे हैं गाइस, एक बार इसके साउंड चेक कर लेते हैं। तो गाइस इसके साउंड क्वालिटी बहुत लाउड है, और सैमसंग की साउंड क्वालिटी वैसे भी बिल्कुल लाउड होती है। बाकी गाइस इसका एक बार हमें टेस्ट करना पड़ेगा आईफोन 13 प्रो मैक्स के साथ, क्योंकि ये उसी लेवल का आता है, इसको बिल्कुल उसके कंपैरिजन में माना जाता है गाइज। तो गाइज
एक लाख के बजट में आपको क्या लगता है ये वर्थ ऑफ मनी है? और मेरे लिए तो बेस्ट है, मैंने पहले आईफोन भी यूज किए एंड मेरे को बिल्कुल डिफरेंट फीलिंग दे रहा है गाइस, तो एक लाख तो बनता है। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग से फोन के साथ। तो गाइस मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। चलो गाइस मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट टेक पे।